अमरनाथ अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन दिलेरी से उन्होंने एक शानदार शतक बनाया, अंग्रेजों की बोलिंग को धो डाला। चार्डिन एट दैट पॉइंट इन टाइम बॉडी लाइन के बाद वर्ल्ड के प्रीमियर क्रिकेटर हैं। उनके टीम के खिलाफ 100 मारना पहला टेस्ट मैच में ऑन इंडियन सॉइल बहुत बड़ा बात है। 1933 में भारत की सरजमीन पर पहला टेस्ट मैच खेला गया। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक महान और शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियन टीम के विरुद्ध बॉडी लाइन सीरीज जीतकर भारत आई थी। मुकाबला तो एक तरफा होना ही था। अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में कदम आजमा ही रहा था, लेकिन दर्शकगण में यह खेल बहुत लोकप्रिय हो गया था। बहुत बड़ी मात्रा में क्रिकेट प्रेमी मैच देखने आने वाले थे। बॉम्बे जिमखाना ग्राउंड्स में खास उनके लिए एक डबल डेकर स्टैंड भी बनाया गया। 3 दिन का मैच होने वाला था। पहले 2 दिन सभी सरकारी दफ्तर बंद रखे गए। 3रा दिन वैसे ही रविवार था। मैच में इंग्लैंड की टीम भारत पर पूरी तरह से हावी रही। अमरनाथ अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन दिलेरी से उन्होंने एक शानदार शतक बनाया, अंग्रेजों की बोलिंग को धो डाला। हालांकि जार्डिन एट दैट पॉइंट इन टाइम बॉडी लाइन के बाद वर्ल्ड के प्रीमियर क्रिकेटर हैं, उनको लेके इतना बात हो रहा है, उनके टीम के खिलाफ 100 मारना पहला टेस्ट मैच में ऑन इंडियन सॉइल बहुत बड़ा बात है। Of course, I was only 13 years old, but I still remember all the crowd frenzy, how crowd went mad. बैंड बज रहा था ग्राउंड पे, वो सारा टाइम बजता रहा, सारे फ्रेंड्स ग्राउंड पे आ गए। पवेलियन लौटते हुए महिलाओं के लिए जो स्टैंड बना था, वहां से कुछ औरतों ने तो मंगलसूत्र समेत अपने गहने उनकी तरफ फेंक दिए। Showering him with all the gifts, and he became a real hero of the Indian cricket. जब अमरनाथ पवेलियन पहुंचे तो बॉम्बे के मेयर ने उन्हें फूलों की माला भेंट की। अब तक काफी तादाद में दर्शक पवेलियन में घुस चुके थे। उन्होंने अमरनाथ को घेर लिया और प्रशंसा और प्यार बरसाया। पुलिस को अमरनाथ की हिफाजत के लिए आना पड़ा और उन्हें दूसरे कमरे में ले गए, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। मांग कर रही थी कि लाला अमरनाथ आएं और उन्हें संबोधित करें। आखिरकार पवेलियन के बाहर लाला अमरनाथ दर्शकों के सामने आए और फिर सामान्य स्थिति लौटी। फिर जब वो घर जा रहे थे अमृतसर की तरफ, लाहौर की तरफ, तो ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती हुई गई और हर स्टेशन पे उनका स्वागत हुआ, उनको काफ़ी सेलिब्रेट किया गया, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई थी, एकदम से आइडल वर्शिप कह सकते हैं शुरू हो गई थी, एकदम से इंडियन क्रिकेट में हीरोइज्म टेस्ट लेवल का आ गया था। इट इज इंडिया स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल। होम क्राउड के सामने, होम सॉइल पे ऐसे 100 लगाना एक तरीके से एक नेशनलिज्म स्पिरिट को जगाता था, जैसे कह सकते हैं कि हाँ कि हम कैपेबल हैं। क्रिकेट फील्ड के बाहर ही नहीं, क्रिकेट फील्ड पर भी हम आपको जवाब दे सकते हैं। लाला अमरनाथ का शतक किसी भी क्षेत्र में अंग्रेजों पर हमारा पहला प्रहार था, जिसको अंग्रेजों ने भी सराहा। उस समय आजादी 14 वर्ष दूर थी। अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में यकीन पैदा हो गया कि एक न एक दिन हम अंग्रेजों को जरूर हराएंगे। लाला अमरनाथ आगे जाके स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान बने। इंडियन क्रिकेट के गॉडफादर कहलाने वाले अमरनाथ ने भारत के लिए बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की और कई मैचेस में विकेट कीपिंग भी। बाद में वो भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर बने और फिर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, क्रिकेट राइटर और कमेंटेटर भी। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। Available across all devices.